अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू बेबी बेकर्स और हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम अपनी फोर्थ सीरीज़ लेकर आए हैं, वो है चॉकलेट जिलेटो। जी हाँ, चॉकलेट फ्लेवर कैसे भूल सकते थे हम। चॉकलेट तो सबका, बड़ों बच्चों का, हर किसी का, स्पेशल लड़कियों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो चॉकलेट जिलेटो बनाने के लिए सबसे पहले हमने आइसक्रीम बेस ले लिया, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था किस तरह बनाना है, वो आप वहाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर हमने जो गिनाश हम बनाते हैं ना केक के लिए, वो चॉकलेट गिनाश ऐड करनी है। और ये हमारे बेटे वो कर रहे थे, तो मैं कहने लगे मैं बीट करूँगा, इनको शौक हो रहा था। मैंने कहा चले आप बीट करें आज। तो उस अच्छा हाँ, मैं पहले रेसिपी तो बता दूँ। तो चॉकलेट गिनाश डाली हमने आइसक्रीम बेस के अंदर, उसके अंदर एक चम्मच भर के कोको पाउडर डाल दिया और उसको अच्छे से बीट किया। खैर इस बार मैंने बीट नहीं किया, मेरे बेटे ने बीट किया, लेकिन बहुत अच्छा बीट किया और बहुत अच्छा उनको बीटिंग भी आ गई, उन्हें शौक भी आता है, शौक शौक में वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं। फिर बीटिंग के बाद इसके अंदर ऊपर से हमने बहुत ढेर सारे इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दिए, क्योंकि चॉकलेट चिप्स बच्चों को बहुत ही पसंद है। और आइसक्रीम में चॉकलेट चिप्स जब तक ना आए तो वो आइसक्रीम का मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए हमने चॉकलेट चिप्स डाल दिए सारे। मेरे तो मुँह में भी पानी आ जाता है बताते बताते, इतने यम्मी आइसक्रीम बनती है ना, लिटरली आप लोग ट्राई करेंगे ना तो मुझे बहुत दुआएं देंगे मुझे पता है। अच्छा, तो खैर चॉकलेट चिप डाल के इसको हमने एयर टाइट पैक कर दिया, बिल्कुल क्लिंग फ्लिंग से रैप कर दिया, ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए ज़रा सी भी। और फिर इसको मैंने 6 घंटे के लिए रख दिया था, 6 आवर्स के लिए। उसके बाद मैंने इसको निकाला तो ये जम चुकी थी। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, निकाल के ना नीचे फ्रिज में रख दिया था कि मैं 5 मिनट बाद निकालूंगी, वो मैं 10-15 मिनट तक भूल गई, तो वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। तो आप ऐसे नहीं करिएगा, आप जो है वो 1-2 मिनट बस बाहर उसको रखिएगा, तो वो ज़रा सी सॉफ्ट होगी, तो वो आप ईज़िली जो है ना आप उसको डीमोल्ड भी कर सकते हैं अगर मोल्ड में है, या अगर मोल्ड में नहीं भी है तो आप वैसे उसको वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब चमचे वगैरह या स्कूप से निकाल सकते हैं। और यह हमारी आइसक्रीम रेडी है, कैसी लग रही है, हमारा स्कूप कैसा लग रहा है हमें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। और यहाँ हमने चॉकलेट सॉस डाला उसके ऊपर थोड़ा सा, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स और डाले, और यहाँ यम्मी सी हमारी चॉकलेट जिलेटो बनके तैयार हो गई। यम्मी ना, कितनी यम्मी लग रही है, यकीन जाने बहुत मज़े की बनी थी। सबसे बेस्ट फ्लेवर जो है ना वो चॉकलेट का बनता है, मुझसे तो लिटरली वो ही बनता है। तो आप लोग भी बना के देखें और फिर मुझे बताइएगा, ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी वो, और मेरी रेसिपी ट्राई की या नहीं की। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।